अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक है, मेरी तरफ़ से और मलाइका की तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जनाब, सुबह का टाइम है और नाश्ता किया जा रहा है। मलाइका को मीठे चावल बहुत पसंद है, तो वो रोज़ाना अपने बाबा से ज़िद करके मंगवाती है और मज़े से माशाल्लाह खाती है। और अब तो खैर से दुआ भी खाने लग गई है। अब भी मलाइका मीठे चावल खा रही है और साथ अपना मोबाइल देख रही है। तो इस दौरान मैंने कहा थोड़ी आपसे गपशप की जाए, थोड़ी वीडियो बनाई जाए। ठंड का सुना, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, सर्दी है कि बढ़ती जा रही है। तो मैंने इनके बाबा से कहा है कि आप बच्चों के साथ बैठे, मैं नाश्ता बना के आती हूँ। तो आप लोग बताइए आपको मेरी वीडियोज़ कैसे लग रही है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो बना के ले आऊँ। तो इसके बाद मैं जा रही हूँ आप किचन में, मिलती हूँ मैं अपना नाश्ता बनाने के बाद, फिर बात करते हैं। मैं नाश्ता बनाकर आ गई हूँ और अब हम नाश्ता कर रहे हैं। आए, आप भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। भूख लगी हुई थी तो मलाइका पहले मोबाइल नहीं दे रही थी, इसलिए शूटिंग नहीं कर सकी। अब उसने दिया, अब वो देखे, वो ऊपर चढ़ के वहाँ से टॉय उठाने की नाकाम कोशिश में है, उसका हाथ नहीं जा रहा। और उसकी बहन उसकी हेल्प कर रही है कि किसी तरह मेरी अपनी अपने खिलौने उठा ले। आज का नाश्ता बस हमारा सिंपल ही था, छोले अंडा। और ठंड बहुत ज़्यादा है, रूम का दरवाज़ा हमने बंद किया हुआ है, इसलिए बच्चे बाहर जाते हैं, बार बार हीटर चलाया हुआ है। और साथ साथ ये एक कुकिंग चैनल चल रहा है टीवी पे। और मलाइका मुझे कह रही है कि मुझे उठाओ और वो शॉपर उठा दो इस पे टॉय वाला, लेकिन मैं अपने नेक्स्ट पे करना है मैंने, तो उसको मैं अभी उठती हूँ, खिलौने उठा देती हूँ और खेलेगी। आप सब नाश्ता कर लिया होगा। और मलाइका, मलाइका को बुखार है तो आज भी बहुत ज़्यादा चिचड़ी हो रही है। तो इसके बाद चाय का दौर चलेगा, चाय बनाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। हेलो यूसुफ, किधर आए हुए आप? थोड़ी देर पहले तो जुतो ही थे। तो फाइनली हम अब चाय सुल्तान आ गए अपनी बहन के घर। आप लोग हैरान हो रहे होंगे, थोड़ी देर पहले घर थे। बस अचानक प्रोग्राम बना, ये देखे यहाँ कितनी सारी धूप है और हम यूसुफ तो ऐसा लग रहा है सन बात ले रहे हैं। यूसुफ सन बात ले रहे हैं। और ये बाजी फ्रूट बनाने में बिजी है। दो किस्म के अमरूद रखे हुए हैं यहाँ पे, जिन एक को तो उन्होंने इमली का नाम दे दिया है, दूसरे को मैंने कीड़े वालों का नाम दे दिया है। लेकिन खाएंगे दोनों, नहीं हंसते हुए भी लोग बनाना चाहिए। अच्छा, ये इसको खाएं, ये ले है जुतोई की, अब से खाएं और उसका जायका बताएं। बहुत ही मज़ेदार है ये तो, जुतोई वाली ज़्यादा मज़ेदार है। अच्छा, तो हो गया। शाह सुल्तान वाली भी ठीक है। मलाइका अपने जमा हुए हैं ये और वो खाने की कोशिश में। और ये देखे मेरी बहन, इसकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है, अब वो हमारी खिदमत में लगी पड़ी है। बस फिलहाल इतना बनाने की इजाज़त है, फूल नहीं बनाते। और शादी अल्ताफ, तुम सुनाओ कैसे लग रहे शादी के बाद? मैं भी वलीमे के बाद पहली दफ़ा आई हुई उनके घर मिलने के लिए, बाजी की तबीयत ख़राब थी। और यहाँ देखिए बच्चों ने अलहदा मिल के रौनक लगाई हुई है, हदिया और मलाइका मिल के खेल रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, हमें भी माशाल्लाह बातें करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है सबको। यूसुफ भी इन्जॉय कर रहे हैं, बस बाजी की तबीयत की परेशानी है, बाकी अल्लाह का शुक्र है। अब बाजी ये देखे कुकिंग कर रही हैं और ये मेरी और सिस्टर सादिया ने रायते वगैरह की तैयारी कर रही है, सलाद बनाया हुआ है। बस सब लोग यहीं पे बैठ के काम कर रहे हैं इसी वजह से। और अब ये देखें जी जनाब, तो अब खाना तैयार हो गया है और हम खाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब ऐसे ऐसे सारी चीज़ें दस्तरखान पर पहुंच रही हैं। ये देखिए यूसुफ आ गए हैं दस्तरखान पर, सलाद वगैरह आ गया है, अब सादिया सालन वगैरह डाल रही है। और अभी ये बाजी
मकई के चिलड़े पकाने लग गई हैं। पहली दफ़ा न्यू रेसिपी है मकई के चिलड़े। चावलों के चिलड़े तो हम लोगों ने बहुत खाए हैं, ये बाजी की वेरिएशन है मकई के चिलड़े। सालन भी हमारा रेडी हो गया, ये देखें बस अब। और ये देखें, ये मक्खन बाजी के हाथ का बना हुआ, घर का खालिस असल ऑर्गेनिक मक्खन, खाइए और जान बनाइए। और ये देखिए, ये हमारी बच्चा पार्टी मलाइका, ऊपर देखो बच्चा हदिया, हदिया आप भी ऊपर देखो, मलाइका और हदिया खेल रही हैं, उन्होंने अपना कुकिंग शो शुरू किया हुआ है। और ये दुआ वेटिंग लिस्ट में खड़ी हुई है कि दोनों बहनें कुछ पका कर दे और वो खाए। अब हम दस्तरखान पर आ गए खाने के लिए, बाजी आ गई हैं सारे। जी बाजी आप शुरू करें बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये मक्की की रोटी पकाई है बाजी ने और मक्खन, सालन है और राइस है, दाल है प्लेट चम्मच। और ये देखिए क्यूट सी इसकी नमकदानी, इसमें कितनी क्यूट है बर्गर के शेप में। और अब हम शुरू करने लगे हैं खाना, खैर से फिर मिलते हैं बाद में। हम सब लोग बहुत ही मज़े से खा रहे हैं और ये मेरी बहन सादिया आराम से मक्खन और मकई की रोटी खा रही है, बाजी आ रहता पी के मज़े कर रही है। तो भाई ये देखिए क्या स्टाइल से बच्ची चावल खा रही है। चलें सादिया अल्ताफ को ये मक्खन और मकई की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। बाकी बाजी आपने बहुत टेस्टी मकई की रोटी बनाई है, थैंक यू। और साजा तुमने भी आज का सालन बहुत अच्छा बनाया है, मेरे साथ बाजू सारे हेल्प की है। खाना खाते गपशप करते टाइम का पता ही नहीं चला, काफ़ी टाइम गुजर गया है और शाम हो गया। इतने में भाई भी आ गए थे तो अब हमने उनसे इजाज़त चाहिए, ठंड बढ़ती जा रही है, बच्चे हैं छोटे, बाइक पे जाना होता है, तो इसीलिए माशाल्लाह आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा है और उनका दिन भी हमारे साथ बहुत अच्छा गुजरा होगा। और उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद आखिर में बाजी से मिले कमरे में जाके, उनसे इजाज़त ली और थोड़ी देर फिर हम उनके घर भी गए थे, उसके बाद फिर हम वापस अपने घर आ गए शाम को। यहाँ ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो, पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।